आपको लगता है तो देख के लगता है कि मैं इतना समझदार मास्टर है और कुंफो कराटे और सेल्फ डिफेंस सीख रही हूँ और मैं रिंग में जाके 6 महीने के बाद आप जरूर देखेगा मैं भारत छोड़ दूंगी अगर मैंने उसे नहीं हराया तो आई एम चैलेंजिंग यू मैं उसे जरूर पटकूंगी और रिंग में उनकी बैंड बजेगी उस वक्त मुझे पता नहीं था पता होता तो 4 खाती तो 2 जरूर मार के आती बट इस बार मैं सीख के जाऊंगी एक्चुअली ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है मतलब किसी को भी सुन के यकीन नहीं होगा कि राखी को किसी ने उठा के पटका और राखी ने कुछ किया नहीं ये सडनली हुआ उनके साथ सडनली हुआ तो नहीं समझ आया लेकिन अब वो रेडी कर रही है खुद को और मैं बोल रही हूँ दूध पी रही हूँ खूब दूध पी रही हूँ हड्डियों को मजबूत कर रही हूँ कहीं फिर से पिट के ना आ जाओ मैं बोल रहा हूँ कि नाराजगी कभी अपनी मीडिया से जाहिर तो नहीं करेंगे इस तरह से कि मतलब हमारी ब्यूटीफुल गर्ल्स हिंदुस्तान की लड़कियां बच्चियों पर बुरी नीयत रखते हैं अब मैं सीखूंगी कुंफो कराटे और उनका कीमा बना दूंगी मैं उनको दिखाऊंगी क्या चाहेंगे जी मैं भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी रानी जी को मेरी बहुत अच्छी दोस्त है पूरी टीम को कि इतनी अच्छी मूवी आप लोग लेकर आ रहे हैं दर्शकों को मुझे लगता है बहुत इंतजार था एक अच्छी भोजपुरी फिल्म का काफी समय से एक जैसी फिल्म आ रही है मुझे पर्टिकुलरली इसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा रानी जी ने बहुत ही कमाल का गाना गाया है रितेश पांडे जी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं राखी जी ने तो इस समा को बिल्कुल बांध दिया जितना डांस किया इतनी मस्ती करी तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें गायकी में मैं बिल्कुल भी नहीं नाम नहीं बोलता आप ट्राई करना राखी जी बोल रही है तो ट्राई कर जरूर ट्राई करूँगी उनसे जुड़ी हुई मिट्टी से जुड़ी हुई एक कहानी है जिसका नाम है रानी भट्ट राजा और हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है दहेज विरुद्ध में हम लोग आवाज़ उठाएं इस फिल्म के माध्यम से समाज को
समाज में संदेश देना चाहते हैं कि दहेज में आपकी रुचि जो भी है वो गलत है। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो हमारा प्रयास साथ और रानी मैम गाना भी गा रही है, पहले बता रही है तो क्या कहना चाहेंगे? क्या बात है, बहुत अच्छा गाना है, मैंने रैप भी किया है और क्या खूबसूरत तरीके से शुरू हुआ है वो गाना, हमें विश्वास से बहुत पसंद आया। आई थिंक लोगों को पसंद आना चाहिए। और सर क्या कहना चाहेंगे, हाल फिलहाल में ये भी हुआ था कि कई संगठन ने, बड़े बड़े संगठन ने बहुत बड़ी के उन्होंने तय किया कि आगे अश्लीलता नहीं होगी, उस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहिए? उस रास्ते में, उनके रास्ते में ये बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत बड़ा कदम है, फिल्म में आपको कोई भी अश्लीलता नहीं। लेकिन लोगों की मानसिकता की होती है कि कुछ लोग अश्लीलता देखना चाहते हैं, अगर अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो लोग देखेंगे। मेरा मानना है कि जो हम दिखाएंगे वही लोग देखेंगे। हाँ, हम अच्छी चीज़ दिखाएंगे तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ अच्छी चीज़ें ही आएंगी, तो फैमिली के साथ भी आएंगे देखने के लिए। कहीं ना कहीं फैमिली छूट चुकी है पीछे, मुझे लगता है कि अब जब इस तरह की फिल्में आएंगी तो लोग जरूर फैमिली के साथ आके देखेंगे। वो आप लोग फिल्म देखेंगे, फिल्म देखने में पता चलेगा। अच्छा रितेश जी, सबने कभी सोचा था कि रानी चटर्जी से शादी होगी? ये तो नहीं सोचा था, लेकिन ये होता है ना कि नहीं बोल पाएंगे अपने गलत सवाल के बाद। खास करके मैं इस फिल्म के अनुभव के बारे में बताना चाहूँ, रानी जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतनी कोऑपरेटिव है और हम लोग सभी सीन्स को इतने अच्छे से हम लोगों ने शूट किया, गाने को शूट किया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, मजा आया। अच्छा ये रानी वेड्स राजे की आएगी दिसंबर लास्ट। अच्छा हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे, नहीं हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे, हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि रितेश पांडे आज बाकायदा सहरा वगैरह बांध के आएंगे, घोड़े वोड़े पे चढ़ के आएंगे। शादी तो सर हो चुकी है, शादी हो चुकी है, हम लोग बारात में शामिल होने आए हैं। नहीं नहीं, ये शादी के बाद, शादी के बाद की लव स्टोरी। आप रिसेप्शन में आए हैं? वैसे इतना लेट क्यों हुआ भैया? थोड़ी ट्रैफिक का ज्यादा थे। कुछ कहना चाहते हैं, आपका हीरो इतना लेट आता है? ट्रैफिक ज्यादा थी, झूठ नहीं बोलते कभी, ये बात तो नहीं, ये बात सच है, रितेश जी झूठ नहीं बोलते हैं, डेफिनेटली ट्रैफिक होते इसलिए लेट हुए। वैसे अब आप शादी को हो गई है, अब आगे प्लान क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग मसूरी जाएंगे। क्यों क्यों? गाना शूट करने, गाना शूट करने, वीडियो के लिए गाना शूट करने, गाने भी लोग गाने, एक गाना गा दीजिए ना। रानी चटर्जी और रितेश पांडे दोनों एक साथ थोड़ा सा का हो का हलचल वही करते हैं। हां का हो का हलचल बा घर मां में सब ठीक बाटे की ना, खेती बाड़ी निक बाटे की ना, कैसन बीतत बा दिन दुपहरिया, कैसन बीतत नया साल बा, कैसे बताई का हाल बा, तोहरा बिन जियल मोहाल बा, कैसे कटत बाटे दिन दुपहरिया, सुना सुना नया साल बा, ए हो का हो का हाल चाल बा। बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं इसमें। सबसे बड़ी बात की रानी जी ने पहली बार गाना गाया है किसी फिल्म में और इन्हीं के ऊपर फिल्माया गया है, तो आज ट्रेलर भी रिलीज हुआ है वेब चैनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, तो जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि वेब चैनल के जो वेब म्यूजिक कंपनी है उसका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे रानी मिर्च राजा फिल्म के ट्रेलर को देखें, खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस फिल्म में, जैसे रितेश जी ने बताया कि दहेज प्रथा पर एक मैसेज दिया जा रहा है, और शादी के बाद की जो एक लव स्टोरी होती है वो है, और एक स्पेशल चीज़ ये है कि टाइम पीरियड होता है जिससे हम उधर यूपी बिहार में कि शादी होती है पहले और 2 साल ढाई साल या 3 साल का गवना रखते हैं, तो वो जो टाइम में क्या क्या होता है बीच की जो लव स्टोरी है, गवने से पहले की लव स्टोरी है, ये मुझे लगता नहीं कि अब तक आया है ये टॉपिक, तो ये काफ़ी फ्रेश है इस फिल्म में, हमारी जोड़ी बहुत फ्रेश है इस फिल्म में, पहली फिल्म है हमारे साथ में, तो मुझे उम्मीद है कि पब्लिक बहुत पसंद है। बहुत ही अच्छा वो गाना लगा, मैंने बाद में बताया कि वो गाना उन्होंने गाया तो बहुत खुशी हुई जानकर, चलिए इसमें रानी जी एक्टिंग के साथ साथ गाना भी गा रही है तो बहुत
कितना अलग है रानी जी का गाना गाया इस फिल्म में? सरप्राइजिंग है, मतलब इसके पहले भी कई बार बट रानी जी वॉज ऑलवेज लाइक कि मैं सिंगिंग नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी पॉइंट उसका ये है कि जैसे मोस्टली अभी कई लोग गाना गाते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप देखा जाए तो ऑटो ट्यून में गाते हैं। यहाँ पे उन्होंने ऑटो ट्यून के बगैर गाया है, बिना किसी हद के गाया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने इस बारे में जब बातचीत की उनसे तो उन्होंने बताया कि ये फिल्म का मतलब वो एक्सीडेंटल सिंगर उनको कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी थी कि उनको गाना ही पड़ा। उन्होंने बताया कि अगर इस फिल्म में कोई और हीरोइन करती तो उसको भी गाना ही पड़ता, सिचुएशन है। लेकिन शायद मुझे लगता है रानी जी को भी नहीं पता था कि दर्शकों को इतना पसंद आएगा, पूरे इंडस्ट्री वालों को इतना पसंद आएगा। आपके बारे में अगर बात करें तो क्या चल रहा है आपके? जी मैं अभी मेरी जो आने वाली है उनका नाम है बेटी, उसके बाद लंबा सिंह अभी जो शूटिंग है प्यार होता है। राजा जरूर देखिए आप लोग और इसके संगीत को हिट कीजिए। और हमारे मधुकर भाई ने बड़े प्यार से बनाया है। अच्छा, संजय भाई ने तो गाना गवाया है पहली बार रानी जी। और आप लोगों के सामने अभी विजय जी का दो लाइन गाना हम सुनना चाहेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी भोजपुरी इंडस्ट्री में। जब से आया हूँ इस टाइप का चैलेंजिंग वर्क करते रहा हूँ। जल्दी अनाउंस किया जाएगा किस दिन हॉल में होगा, घर में नहीं करने के लिए सिनेमा हॉल में होगा साथी। और फिल्म बहुत अच्छी बनी है, कमर्शियल है, पूरा एंटरटेनिंग है, म्यूजिक मस्त है। मधुकर आनंद जी ने क्या धमाल के म्यूजिक बनाया है। हम लोग मधुकर जी से पूछते हैं कैसे कैसे म्यूजिक आई मधुकर जी। मधुकर जी क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरिया दर्शक के हमारे हाथ जोड़ के प्रणाम बा। आप लोग हैं तो ही हम हैं और हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए नया सोचता हूँ। आप लोगों का प्रोत्साहन भी मिलता है, सराहनाएँ भी मिलती हैं उसमें। उसी में एक ये भी प्रयास है रानी वेट्स राजा का म्यूज़िक। इसमें मतलब हर बार पूछा जा रहा भाई मोबाइल ले आदमी पुरनका मोबाइल छोड़ कर नया लेवल है तो इसमें क्या एक्स्ट्रा है भाई, इसमें मेमोरी ज़्यादा है, ये है वो है, तो इस गाने में क्या है, इसके पिक्चर के गाने में क्या है? तो इसमें ये है कि पहली बार रानी चटर्जी ने गाना गाया है। दो दो गाने गाए हैं, एक रैप टाइप का गाना है और एक गायकी वाला गाना है। तो ये दो चीज़ आप लोगों को नया मिलेगा सुनने के लिए। इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक अरेंजमेंट में आपको कुछ बदलाव नज़र आएगा। आप ज़रूर सुनिएगा और अपना फीडबैक मुझे बताइएगा।